पूजा की वजह से लेट हुआ है। निकले बोलो बोलो अम्बे मात की बैठा था, तुम्हें आया मस्त छास लेने यार, बहुत मजा आई सीरियसली। मैंने बोला था तुमको ये लेट तुम लोगों ने किया है, वो लोग ने लेट नहीं किया, वो लोग पैंट भी है नहीं, ये पूजा की वजह से लेट हुआ है। ये हमेशा लेट करते लोग, तो कोई बात नहीं, हम लोग वापस निकल चुके हैं। आज अपने किधर जाना है भाई लोग? नडियाद जाना है। आज नडियाद जाने का है, आज थोड़ा लॉन्ग जर्नी है अपना। डीडी हो ना? कितना है यहाँ से? One and a half hour. तो आज भी DevOps का वर्कशॉप है, आज मोस्टली मेरा फाइनल ट्रायल है, उसके बाद कल भी एक सेशन है, बट अभी देखते हैं। तो अभी निकलते हैं, ला एक काम करो, बैग पीछे रखना तो पीछे रख दो भाई लोग, तो बैग जाना वैसे काम का नहीं, पीछे रख दो। कैमरा वाला सिर्फ आगे रखा, बाकी आप अरे बेचता नहीं भाई, शांति से बेचो आराम से। ले मुकी दे नील दारू, हाँ तो कर दे चल। इन्होंने यू काई नहीं दिया? अरे यू काई नहीं, हाँ तू मुके से मुँह तो ना मुको, मुँह तो मुकी दो। हाँ वो लैपटॉप छोड़ी ना जो गाड़ी में नीचे बैग नीचे कोई दिवस ना मुको। अरे तो एक फाइल ट्रांसफर डाला चाहिए वो इतना देखते नहीं, तो फिर वो जीना आराम हो जाएगा उनका, क्योंकि तुमको कैसे भी सिचुएशन में तुमको बैग रखना पड़े, धूल मिट्टी सब आता है। चलो गाइस निकले, बोलो बोलो अम्बे मात की जय। गुजराती लोग निकले, दबा चलो वो आया, उसमें एक टाइमर आया आ गया। भाई ड्राइव सेफ, जरा सी नजर हटी और दुर्घटना घटी, सो ऑलवेज ड्राइव सेफ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड welcome back to another vlog, right? Don't forget to like, share, subscribe, hit the bell icon so that you won't miss any of this content. So aaj hum log ja rahe hain Nadiad DDU Dharamsi Desai University, right? To aaj bhi ek workshop hai, aise ki pata hai last 2 din se continuous workshop hai. Pehla workshop Swarnim mein liya humne, kal liya Indus mein, aur aaj hai DDU mein, right? To abhi dekh ki jaise ki ek to yahi university dur, abhi hum log hai Gandhinagar se nikal gaye भी है एस पी रिंग रोड पर, ट्रैफिक देखो कितना है ना, अपने को आई थिंक बहुत टाइम लग जाएगा ट्रैफिक क्लियर करने में, कितना है बंद नहीं हुआ, वो चालू है यार, टैप कर दिया यार, दे स्क्रीन पर सीखो पड़ता है दारू कुछ बोल दूं, पीछे भी जा सकते हैं, स्लाइड पाचन करो गाड़ी वाले बंदा जी। लोगों को निकलना ही आ गया, इधर से उधर जरा सी जगह दिखी नहीं ना कि निकल जाते, ऐसा नहीं उनकी वजह से दूसरे लोग में ट्रैफिक बच जाए, बट एनीवेज अभी हर जगह वही दुख रोना है। बट आज का हमारा वर्कशॉप डेवऑप्स तो ये, बट आज हम लोग गिट नहीं लेने वाले, राइट? तो आज हम लोग डॉकर, टेराफॉर्म और हो सके तो एक आधा क्लाउड प्लेटफॉर्म, वेदर इट्स AWS और GCP में कुछ ऑटोमेशन डिप्लॉयमेंट करके उनको दिखाएंगे, तो दैट इज द होल गोल। माय सोले पर्पज इज कि बोला कि जैसे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसे काम करता है, स्टूडेंट्स का माइंडसेट कैसे है, तो बस यू नो आई वांट टू स्टडी दैट, तो बेस्ड ऑन दैट मुझे हेल्प करेगा और अच्छे कॉन्टेंट क्रिएट करने के लिए। सो उस बहाने थोड़ा कैंपस भी विजिट हो जाएगा, क्योंकि गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है दोस्तों, तो जितनी यूनिवर्सिटी के बहुत दे हैव वेरी लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको एक यूनिवर्सिटी में जो फैसिलिटीज है वो सारी होती है,
और स्टूडेंट्स को कितना सीरियस लेते वो पता नहीं। मैंने इसलिए कल के ब्लॉग में कल कुछ टीचर्स से फैकल्टी से बात किया तो उनको मैंने ऑनेस्ट फीडबैक दिया कि दिस इज व्हाट माय फीडबैक अबाउट द पार्टिसिपेंट्स। एंड अभी आज का भी है, अभी आज का पता नहीं अभी स्टूडेंट कैसे होगी, बट हाँ अगेन आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, जाएंगे देखेंगे बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स हम लोग कुछ वैसे ही सेशन डिलीवर करेंगे राइट। तो आज का आई ट्रिपल ई ने किया ना, आई ट्रिपल ई ग्रुप होता है क्या, क्लब होता है, रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने का क्लब है। अच्छा ओके, और एक चीज देखो हम लोग है ना ट्रैवल करते करते काम भी कर रहे हैं, ये देखो दोनों हमारे बंदे लगे हुए फुल, ये देखो एक इधर लैपटॉप में लगा हुआ है और एक इधर लगा हुआ है, एक तू क्या कर रहा है अभी देखो, पोस्टर बना, ये भाई पोस्टर बना रहे हैं और एक भाई है हम फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, कुछ कोड अपलोड कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट डे ऑफ पीपल डज राइट, क्लाउड वाले हमेशा क्लाउड में रहते हैं इधर भी जाओ हम लोग हमारा अपलोडिंग चलता रहता है लोकल से रिमोट तक तक। सो अपना काम ऐसे मैनेज कर सकते हो, मैंने ट्रैवल करते करते बहुत काम किया है, आई थिंक अभी हमारा ऐसा अभी हम लोग आई थिंक कहीं भी ट्रैवल करते करते काम तो कर ही सकते हैं, नहीं क्या बोलता है ना, सिर्फ कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, कभी कभी नेट हमको धोखा दे जाता है बट फिर भी हमको अल्टरनेटिव ऑप्शन तो मैं हमेशा लेके चलता हूँ राइट। सो अभी ये ट्रैफिक क्लियर होने तक का वेट करते हैं, उसके बाद आपको डायरेक्ट हाईवे पे मिलते राइट, ड्राइव करने का मजा आएगा क्योंकि हम लोगों ने अभी सिटी का रूट नहीं लिया है, नेशनल हाईवे वाला दो रूट है, एक नॉर्मल हाईवे है और एक नेशनल हाईवे है, वहाँ पे हमको 100 रुपए टोल टैक्स भरना पड़ेगा बट वर्थ है क्योंकि वो वहाँ पे ड्राइव करने का बहुत मजा आएगा, तो हम लोग वहाँ से नडियाद जाएंगे, थोड़ा जल्दी भी पहुँच जाएंगे और ड्राइव करने का मजा भी आएगा, तो डायरेक्ट नेशनल हाईवे मिलते हैं। ये सो भाई लोग अभी हम लोग यहाँ पे रुके थे राइट, हम लोग यहाँ पे रुके थे फॉर मैं बोला हवा चेक करे तो थोड़ी हवा कम लग रही थी, कल से मुझे कल रख रही थी, मैं बोला यार आज करूँ कल करूँ लेकिन फाइनली कर लिया, और जब किया तो पता चला कि यार एक टायर में पंचर है और एक नहीं दो पंचर निकले, मैं बोला चल चेकलिस्ट ऐसे सेफली चेक तो करवा लेते क्योंकि जब भी ट्रैवल पे निकले ना आई थिंक ये सब चीज़ें हमेशा चेक करनी चाहिए, क्योंकि बीच में आधे रास्ते में रुक गए तो मैंने बेस्ट था कि मैंने चेक करवा लिया और उसमें वाल भी ख़राब निकला, वाल भी चेंज करा है तो 450 का फटका लग हो गया हो गया लगा जी, एक बार चेक कर लें भाई उसको पूरा, बीच में रुकाना नहीं चाहिए मेरे को। ये हवा कितना कितना होना चाहिए इसके अंदर, 35 हाईवे पे और सिटी में चलता है और कितना हो कितने तक चलता है ऐसा, लाइक इधर से तूने 7 देखा था ना, 7 पॉइंट तक चलता है क्या, उसके नीचे गया तो मतलब फ्लड हो जाता ना, फ्लड ना था 7 पॉइंट अंदर रेत के बाद ओके એલા ટ્યુબલેસ છે એટલા માટે રહે ને, ઓલું જે પેલા ટ્યુબ વાળું તો એમાં ના રહે ને, એમાં ફ્લેટ થઈ જાય, એટલે ટ્યુબ વાળા તો રસ્તા ના વચ્ચે ઉભું રહી જાય, ઓકે આમાં એટલી તમારું ચાલતું રહે, સ્ટેપની હેના સ્ટેપની સબ સેફ્ટી કે સાથ ચલતા હું, તો એ પંચર ઇન તીન લોગો કી વજહ સે હુઆ હૈ, એક દો ઓર યે તીન, દે આર રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધીસ પંચર હેના, और उसमें से ये साइड कौन बैठा था तेरा ज़्यादा फॉल्ट है क्योंकि ये टायर पंचर हुआ है, तू इधर बैठा था, तो भाई कोई बात नहीं, एनीवेज चलो अभी निकलना है बहुत लेट हो रहा है। वेलकम टू नेशनल एक्सप्रेस हाईवे, ले भाई चालू कर, तो बम्पर जो होता है बम्पर आता है अभी को क्या कर सकते हैं, धीमी तो कर गाड़ी, यस दैट्स माय ऑल अपोजिट बम्पर में तेरा स्पीड तो 40 नहीं जो है, चलो जीरो था ही जब वो बम्पर में जगह बारिश का नहीं कटेगा ये क्योंकि थोड़ा आगे भिड़ गया ना, पता क्यों आ रही फास्टर, कोई बात नहीं चलो अभी नेशनल हाईवे चालू हो गया, अभी ड्राइव करने का और मजा आएगा, किसी को रील बिल बनानी है चोरी डालना डाल सकते हैं।
सीधी जा रहे तो सीधी हां बाजू सीधी हां हम जा दो हां ओके चलो भाई डीडी यूनिवर्सिटी में आ गए बहुत गलियां छोटी है तुम्हारी इधर मैं पार्किंग कर दूं साइड कैंपस में आ गए तो चैनल पर आओ बोलो भाई क्यों लागे वर्कशॉप आदमी जबरदस्त तो डोकर रन डेट्स डेट्स हां आले तो डेट्स गमी गई सुधरो आवे मजा आई गई मजा आई गई जबरदस्त कंप्लीट इट वाज अमेजिंग इवेंट अमेजिंग ऑसम तुम ओपन डिजाइन कर जाओ श्योर ओके सो फाइनली वर्कशॉप खत्म हो गया है मस्त फोटो पढ़ा लिया अभी कोडिंग के साथ वो वर्कशॉप मज़ा है राइट बट अगेन बिना प्रॉब्लम के तो अपना ज़िंदगी चलेगी नहीं तो आज अगेन और एक प्रॉब्लम हो गया इसके बारे में बताएगा नील बताओ so, क्या प्रॉब्लम हुआ कॉलेज में ऐसा था कि 2 to 2:30 डाउन टाइम था तो नेट डाउन टाइम हाँ तो नेट बंद हो गया था इंटरनेट डाउन पूरी कॉलेज में तो वो हेक्टिक सिचुएशन थी पर मेहुल भाई ने सही कन्वर्जेशन किया कम्युनिकेशन किया कि क्या क्या कर रहे हो कुछ डाउट पूछो तो वो एक टाइम हो गया एक पास हो गया एंड लाइक पीपल आल्सो लाइक इंटरेक्ट वेरी मच इन दैट राइट सो बेसिकली टाइम था और मुझे पता था कि जब इतनी ऐसे इशू आते हैं तो टाइम पे रिजॉल्व तो होते नहीं तो बेटर सॉल्यूशन ऐसा किया कि हम लोग कि जो भी अभी तक मैंने काम किया है जिस कंपनी में किया है जिस कंपनी में पार्टिसिपेट किया है तो मोस्टली लोगों के क्वेश्चन होते हैं तो मैंने बोला लेट्स ओपन द फॉर जो भी आपके डाउट्स और क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी के लगे कम्युनिटी के लगे वो पूछो और मैं उसके आंसर दूंगा आपको राइट तो वो मज़ा आया उनके साथ इंटरेक्ट करके और इनफैक्ट वो लोगों को ज़्यादा मज़ा आ रहा था फिर फाइनली वो आज नेटवर्क रिस्टोर हो गया इंटरनेट चलने लगा और फाइनली हम लोगों ने डॉकर करना था वो किया लोगों ने प्रैक्टिस किया और आई थिंक 75% लोगों ने प्रैक्टिस किया और सक्सेसफुली कमांड एग्जीक्यूटिव की भी की है बिगिनियर लेवल था बट आई एम श्योर कि नाउ दे गॉट द प्लेटफॉर्म टू गेट स्टार्टेड एंड आई शेयर ऑल द रिसोर्सेज अबाउट द प्रोजेक्ट क्लाउड कैप्टन उसके सारे रिसोर्स मैंने शेयर कर दिए एंड अभी और भी इस प्रोजेक्ट को अपने को आगे लेके जाना है उस प्रोजेक्ट का लिंक मैं डाल दूंगा एंड यूनिवर्सिटी कैंपस का टूर आज अपना इतना नहीं हो पाया क्योंकि यूनिवर्सिटी कैंपस बहुत छोटा है एक्चुअली कैंपस बहुत बड़ा है बट दे हैव नॉट हैव एवरीथिंग इन वन सिंगल कैंपस एक कैंपस में एक ही लेट्स से एक कैंपस में एक ही डिपार्टमेंट है बहुत बड़ा नहीं है राइट वैसे बहुत बड़ा है बट डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स है उनके और वो एक स्ट्रेगमेंट में नहीं है जैसे कि केयू में कैसा है एक पूरा कैंपस है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स है बिल्डिंग्स है डिज़ाइन का अलग है इंजीनियरिंग का अलग है वैसा तो यहाँ पे वैसा नहीं है तो वैसे वो इसने मुझे पूछा था कि भाई इवेंट कैसा गया मैंने बोला कि शुरू होते ही ख़त्म हो गया मतलब कैंपस में आए और वो ख़त्म भी हो गया सो कैंपस इतना बड़ा नहीं लेकिन कैंपस बहुत अच्छा है बिकॉज बहुत ग्रीनरी है आप देखो सो मच ग्रीनरी राइट बहुत ग्रीनरी है तो आई रियली लाइक दिस कैंपस ग्रीनरी बहुत अच्छा है ये अभी हमारी गाड़ी हम लोग अभी रेडी हो चुके हैं जाने के लिए तो अभी यहाँ से निकलना है हमको भजिए खाने के लिए तो भजिए वाले पास जाना है फेमस चटनी वाले इसको हम लोगों ने इंस्टाग्राम रील से निकाला है तो जाएंगे भजिए खाएंगे तब तक गोप्रो का बैटरी कितना टिकता है पता नहीं बट फिर बाकी का शूट अपन आईफोन से करेंगे है ना भजिया इज इम्पोर्टेंट भजिया इज इम्पोर्टेंट गुजरात में भाई भजिया इज वेरी इम्पोर्टेंट 100 मीटर पहला थी कहीं नहीं हम लोग अभी निकल चुके हैं भजिए वाले की खोज में और ये मस्त ब्यूटीफुल कैनाल दिख गई यहाँ पे ये भी तू बोला था ना नील कैनाल भी है देखने के लिए डीडी के सामने कैनाल है ये वही है मुझे लगता है मैंने जो देखा था ना
नहीं एक्चुअली नडियाद में एक्चुअली देखने के लिए कुछ ज्यादा है ही नहीं, जैसा मैंने बहुत सारे जो लोकल यहाँ पे तुमको पूछा बोले यहाँ पे कुछ नहीं है देखने लायक, जैसे अहमदाबाद में तो बहुत है, जैसे कि एक सिद्ध सैयद की जाड़ी है और एक घरवाली वो यहाँ पे राइम हो रहा था इसलिए मैंने बिठा दिया ऐसा। तो और अभी भजिए पता नहीं वो भजिया अभी इतना अच्छा होना चाहिए, अपने भजिए का हाइप बहुत बना दिया है और वो चटनी का भी मैं तो मैं बोल दूंगा वहां जाके कमेंट में साला घटिया चटनी है। भजिए की खोज में वो भजिया भी हिचकी ले रहा होगा साला मेरे को कौन इतना याद कर रहा है चलो अभी फाइनली भजिया अभी बैटरी कितना बचा है 14% के पास पहुंच गए भजिया वाला आया भजिया वाला કાકાને તો હારી ભીડ લાગેલી પૂજાને દે કેસા ગયા આજ કા ઇવેન્ટ પૂજા મસ્ત હે ના અભી અપન કિધર આયે નડિયાડ મહાકાલી ભજિયા વાલા पर एक्चुअली हाइप पे हम लोग यहाँ पे आए देखो कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे ऑलरेडी है राइट नडियाद में हमने पूछा कि क्या देखने लायक है तो और कुछ नहीं मैंने बोला है भाई पीछे देखो लाइन देखो इधर गया इधर लाइन पीछे देखो लाइन पूरा लाइन लगा हुआ है सो ओवरऑल पता नहीं भजिया कैसा है बट अभी भजिया ट्राई करेंगे अपन लोग आए हैं घूमेंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो करना बनता है ना घर में नहीं पुराने घर में चूल्हे पे जो बनाते चूल्हे पे बना रहा है पर चूल्हे पे बनाए तो तेल तो इतना ही गर्म होता है ना चूल्हे पे भी होता है पर चूल्हे का टेस्ट अलग आता है चूल्हे पे थोड़ी बना रहा है वो चूल्हे के ऊपर गर्म कर रहा है देख चूल्हे के ऊपर गरम गैस नहीं यूज हो रहा है ना हां दैट इज अ गुड थिंग कि गैस नहीं यूज हो रहा है राइट फिल्टर कैश हो कोई बात नहीं कॉल आया था तो थोड़ा इंटरप्ट हो गया था बट वापस चालू करते हैं गैस का पैसा बचता है चूल्हे पे बनाने हां राइट 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 उसका बिजनेस थोड़ा प्रॉफिटेबल हो सकता है गैस का पैसा बचता है क्योंकि चूल्हे पे करता है और भजिया का क्योंकि इतना हाइप है मैंने एक्चुअली इंस्टाग्राम पे इसका रील देखा था बस वो रील देख के आया हूं मैं क्योंकि मैं जहां पे भी लोकल जाता हूं तो वहां का फूड तो पक्का ट्राई करता हूं अभी नडियाद में आए तो और तो कुछ है नहीं घूमने लायक तो बोला ये पक्का भजिया ट्राई करके जाएंगे ज़्यादा नहीं खाएंगे लेकिन एटलीस्ट मैंने बोला दो भजिया मैंने प्रॉमिस किया पूरा कल के ब्लॉग में बोला था कि दो भजिया खाऊंगा मतलब दो ही भजिया खाऊंगा फिर अच्छा दो भजिया में कैटेगरी वाइज है अभी इसमें बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के भजिया आएंगे तो फिर मैंने ऐसा तो नहीं बोला था कि मैं हर कैटेगरी के नहीं ट्राई करूंगा मेरा बोलना दिस इज कॉल्ड करना कुछ और होता है दिस इज कॉल्ड लूप होल्स एंड आई टी में हम लोग लूप होल बहुत निकालते हैं टू फिक्स द प्रॉब्लम सो दिस इज हाउ फिक्स माई प्रॉब्लम इसमें अभी देखते बन रहा है कि नहीं अरे नील नील को बुलाते जरा उधर जाके देख प्रोसेस क्या हो रहा है एक बार देखने का काका को बोलने का है कि काका प्रोसेस दिखाओ कैसे हो रहा है ये सबने ऑलरेडी बहुत कुछ खाया है तो अभी और खाने की इच्छा नहीं है बट पीछे देख रहे हो कि भीड़ इतनी ज्यादा भीड़ है बहुत भीड़ है ना क्या बोलते हाँ फाइनली अपना भजिया वाला आ गया है सो ये है जिसके लिए हम लोगों ने 15-20 मिनट वेट किया दिखने में तो बहुत अच्छा है चटनी और स्पेसिफिकली चटनी के लिए क्योंकि ये चटनी मैं इंस्टाग्राम रील से चटनी देख के आया था भाई अब ये खाने के लिए हम सुपर एक्साइटेड हाँ आपसे जग आपसे लिया ए इन्हें क्या मर्चा लेता है मर्चा वगैरह ना चले
अरे एक ही टाइप का भजिया है एक्चुअली। नहीं नहीं उनके अलग टाइप है ही नहीं, मेथी के भजिया बना दो। हम एक काका मेथी ना बना भजिया के बीजा बनावे, ये मेथी के भजिया बना दे। अच्छा एम काका बहुत जूनो चला गया काका ने। हाँ चटनी खाई जोवी पड़े भाई, पर एक ही टाइप का भजिया मिलता है तो इसको थोड़ा तोड़ देते हैं भजिए को, मिल इसको ऐसा तोड़ दे सारे तो क्या वो भाप निकल जाएगा। ये चटनी खाएगा वैसे लहसुन का है ना? ना साहब थैंक यू सो मच। ना ना थैंक यू सो मच। ना ना काका थैंक यू सो मच। चटनी के साथ भजिया एक्चुअली जो भी दम है ना पूरा चटनी में दम है, लसन चटनी है और एक्चुअली लसन छे जबरदस्त चटनी है और भजिया भी जोरदार है, जोरदार भजिया है। पर जैसे कि मैंने बोला मैं सिर्फ चार ही भजिया खाऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया था मैं चार से ज्यादा भजिया नहीं खाऊंगा। दो भजिए बिना चटनी के, दो चटनी के साथ, तो दो चटनी के बिना और दो चटनी के साथ बोला दो और भजिए के साथ साथ गरम गरम अगर मिर्ची मिल जाए ओए होए तो अभी वापस चटनी के साथ गरम गरम मिर्ची। मैं कैसा लगा बहुत जी अच्छा ना भजिया वाला यही है एक्चुअली, यही लेके आया। अच्छा इसका नाम चेंज कर देने का कॉन्टेंट वीडियो का, तो भजिया एंजॉय करते हैं बाकी बाद में। तो जो तुम्हें महाकाली ना भजिया खावा आओ तो पछी भजिया खाई छास पीवा भूलता नहीं, आना बे फायदा है। तेल वालू खाई मसाला भाई दूध वाला आइटम खाओ ना एटले थोड़ा मसाला शांत थी जाए। शू कहो बराबर बोलो के शू पीधु के पीधु बपोर ने छास छे ज રિક્વેસ્ટ कभी भी नड़ियाद में आओ और महाकाली वाले भजिए वाले के पास जाओ तो बाजू वाले काका से छाछ लींबू शरबत कुछ भी पीना भूलने का नहीं, क्योंकि बेस्ट चीज़ कि हम लोग जब भजिए खा रहे थे तो वो काका सामने से ऐसे प्लेट में वो छाछ और वो लेके आए एक लो पी और हमने उस समय मना कर दिया, बट वो एक अच्छा लगा कि एक तरफ वो भजिए वाला जहाँ पे लोग सामने से जा रहे राइट लाइन है और यहाँ पे एक इसके पास कुछ लाइन नहीं है तो सामने से मतलब एफर्ट्स कर रहा है तो बेटर है। तो फिर आप जाओ, छाछ भी बहुत मस्त था और लींबू शरबत भी बहुत मस्त था ना। और एक अच्छी बात भी है कि भजिया खाने के बाद है ना ये लींबू शरबत है तो छाछ भी हो गया ना तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि मसाले खाने के बाद ऐसे मिल्क आइटम जब पीते हो गए तो कुछ ठंडा पीते हो तो अंदर के जो मसाले खाते हो तेल वाले वो शांत हो जाती है तो आपके पेट में तकलीफ नहीं होगी कोई जात की, तो बेटर है। तो भजिया खाने के बाद ये खाना भूलना नहीं राइट, काका को भी सपोर्ट करेंगे अपन लोग ठीक है। काका ने मस्त मस्त दिल से अपने को छाछ पिलाई है राइट, सो डोंट फॉरगेट टू विजिट। एंड आज का हमारा ये विजिट तो खत्म हो गया, अभी हम लोग निकल चुके हैं अहमदाबाद के लिए, बट आई थिंक ये वाला कौन सा हाईवे, ये स्टेट हाईवे है क्योंकि हम लोग नेशनल हाईवे पे नहीं जा सकते, तो हमने यहाँ से ही क्योंकि काका का वो महाकाली भजिया हाउस भी इधर ही है हाईवे पे ही स्टेट हाईवे पे, तो हमने यही हाईवे पकड़ लिया है फॉर अहमदाबाद। सो अभी हम लोग डायरेक्ट घर के लिए निकलेंगे राइट, अभी बीच में कहीं रुकेंगे आई डोंट नो, मोस्ट ऑफ द प्लान तो यही है कि सीधा घर पे ही निकल जाए, तो घर पे निकलते हैं। आज का ओवरऑल मज़ा आ गया, ओवरऑल हमारा जो
जो चीज़ डिसाइड की थी वो हो गई, और भजिए मैंने दो की जगह दो ही खाए, एक भी जे ज़्यादा नहीं खाया। और चटनी मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा खाया, क्योंकि मैंने बोला था दो भजिए और बाकी के दो भजिए मैंने चटनी के साथ खाए। तो ऐसा मैंने चीटिंग नहीं की है इसमें कोई भी जात का। बाकी ओवरऑल भाई लोग मजा आया ना? बस बस अभी हम लोग निकलते घर पे। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल, हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू वोंट मिस एनी ऑफ द नेक्स्ट कंटेंट। और जितने भी रिसोर्सेज मैंने बोले थे सब मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और बाकी टाइम स्टे सेफ, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर ऑल द ऑसम थिंग्स दैट यू आर डूइंग इट राइट। आई विल सी यू वेरी सून।